हे गाइस, गाली देने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि गाइस आज का जो वीडियो है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गाली ही दोगे। तो गाइस आज की जो वीडियो है गाइस टॉप 5 ओवरलेटेड पोकेमोन के बारे में। तो गाइस ओवरलेटेड का मतलब होता है कि जो पोकेमोन इतना ज़्यादा फेमस बन गया है, लेकिन गाइस उसको उतना ज़्यादा फेमस नहीं बनना चाहिए था। और गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो गलत है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि गाइस इस पर आप लोगों का फेवरेट पोकेमोन भी आ सकते हैं। तो चलिए गाइस वक्त को बिना लगावा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं हूँ राकेश सर, आप लोग देख रहे हैं ग्रे कार्टून इंडिया चैनल को। सो गाइस नंबर 5 पर जो पोकेमोन आते हैं गाइस है गोरबॉक। तो गाइस इसका नाम मुझे ठीक से लेना नहीं आ रहा, तो प्लीज़ गाइस मुझे माफ़ कर देना। और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस, इसके ऊपर एक बेसिक करके एक मूवी बनाया गया था, जो कि गाइस मूवी 22 में एंड गाइस मूवी 13 तक सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन का स्टोरी दिखाया गया। लेकिन गाइस एक 13 मूवी में इसका ऊपर जो बेस कर का स्टोरी को बनाया गया है, जिससे गैस ये पोकेमोन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा और गैस ये पोकेमोन फेमस हो गया। लेकिन गैस इस पोकेमोन को इतना ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहिए था, तो गैस इसीलिए मैंने इस पोकेमोन को नंबर 5 पर रखा। तो चलिए गैस अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। सो गैस नंबर 4 पर जो पोकेमोन आता है गैस वो है लुकारियो। और गैस लुकारियो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है, लेकिन गैस फिर भी ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा अहंकारी एंड गैस ओवररेटेड पोकेमोन है। और गैस इस पोकेमोन को पोकेमोन जो कि इसके ऊपर एक मूवी बनाया गया था, जो इसमें इसके जो मतलब कि एपिसोड है इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया गया, जिससे कि हमारा फैंस के मन में इसका जगह हो सके। तो गैस और ये लुकारियो था मास्टर आयरन का, जो लुकारियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन गैस और लुकारियो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी होते हैं। तो गैस मेरे ख्याल से लुकारियो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ओवररेटेड है, तो गैस इसीलिए मैंने नंबर 4 पर रखा। तो चलिए गैस आप हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर जो पोकेमोन आते हैं गैस, उसको सुनकर आप लोग पक्का मुझे बहुत ज़्यादा गाली देंगे। तो गैस मैं बात कर रहा हूँ चार्जर के बारे में। और गैस सुनने में थोड़ा सा फनी टाइप की लग सकते हैं, क्योंकि चार्जर जैसा ताकतवर पोकेमोन को मैं ओवररेटेड पोकेमोन कह रहा हूँ। तो गैस अगर आप लोगों को पता होगा कि चार्जर कितना ज़्यादा अहंकारी पोकेमोन है, और गैस वो होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है और गैस उसके पार के हिसाब से उसे अहंकारी होना चाहिए। लेकिन गैस कुछ ज़्यादा अहंकारी पोकेमोन होने की वजह से गैस इस पोकेमोन को हम लोग ओवररेटेड कहते हैं। तो गैस ये जो पोकेमोन है, जिसको बेसिक करके बनाया गया है, एक ड्रैगन फ्लाइंग टाइप पोकेमोन। और गैस ये फायर टाइप पोकेमोन भी है। और गैस जैसे कि हमने सारे चार्जर को देखा, जैसे कि रेड एस एंड गैस एल एन एंड गैस चार्जर घाट में, जो कि चार्जर इतने ज़्यादा एडिट से रहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे चार्जर एंड गैस सारे वर्ल्ड का बस है, यानी कि आर्ट से उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो गैस इसीलिए मैंने चार्जर को एडिट को सामने रखते हुए चार्जर को नंबर 3 पर रखा। तो चलिए गैस अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो गैस नंबर 2 पर जो पोकेमोन आता है गैस, वो मेरा फेवरेट पोकेमोन है। तो गैस मैं किसको गाली दूंगा, मेरा फेवरेट पोकेमोन है, लेकिन फिर भी इस एपिसोड में उसको लाना पड़ा। तो गैस मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन निंजा के बारे में। तो गैस ये एक फ्रॉग एंड गैस निंजा टाइप पोकेमोन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। लेकिन गैस ये बाकी स्टार्टर पोकेमोन की तरह नहीं है, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि गैस ये जो जब हम लोगों से पहले इंट्रोड्यूस करा गया था एस ग्रीन निंजा को, तब गैस कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया था, आर से भी ज़्यादा फेमस हो गया था, और गैस इसका फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो गैस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लेकिन गैस मुझे लगता है ये ग्रीन निंजा इस इतना ज़्यादा सम्मान के हकदार नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाकी स्टार्टर पोकेमोन की तरह है। और गैस अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, तो गैस पोकेमोन एनिमे वालों ने इसको लेजेंडी क्यों नहीं घोषित किया। तो गैस इसीलिए मैंने इस पोकेमोन को नंबर 2 पर रखा। तो चलिए गैस अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। सो गैस नंबर 1 पर जो पोकेमोन आता है गैस, उसको भी सुनने के बाद आप सभी लोग मुझे मारेंगे, गाली तो दोगे उसके साथ साथ मुझे मारेंगे। तो गैस उस पोकेमोन का नाम है म्यूटू। तो गैस म्यूटू एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड गैस धातु लेजेंडरी पोकेमोन है। और गैस इसका दोनों मेगा रेवोल्यूशन जो कि एक्स एंड वाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन गैस फिर भी म्यू एक ओवररेटेड पोकेमोन है, क्योंकि गैस इसका 2 वजह है। एक तो गैस बहुत ज़्यादा अहंकारी पोकेमोन एंड गैस गुस्सेल पोकेमोन है, और गैस दूसरा रेड ने इसको कैप्चर कर दिया। तो गैस रेड जब इसको कैप्चर करते हैं, तब गैस आप लोग इसके मुंह को देखने लायक था, एक लेजेंड पोकेमोन नहीं लग रहा था। और गैस एक एपिसोड में हम लोगों ने देखा जेनिनिक्स नामक एक पोकेमोन ने इसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से धोया था। तो गैस इसीलिए मैंने इस पोकेमोन को नंबर 1 पर रखा। तो गैस अगर आप लोगों को ये वीडियो बुरा लगता है, तो गैस जरूर डिसलाइक मार देना। और गैस अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ
वीडियोस शेयर भी कर लेना। और गैस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं मत जाना। तो चलिए गैस, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।